बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बरसात हो रही है, हल्की हल्की बूंदे पड़ रही हैं और उसके साथ ही दिल करता है कुछ पकोड़े खाए जाए, कुछ स्नैक खाया जाए। तो आज हम स्नैक बनाएंगे, वन बाइट स्नैक बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और सब चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं, उन्हीं के साथ बनाएंगे। 3 आलू लिए हैं मैंने मीडियम साइज़ के, उन्हें मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद उन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश मैंने इसलिए किया है, कुछ भी हमें पीसीस नहीं चाहिए आलू के, तो हमें आलू ऐसा चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़े से मसाले डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे मसाले। आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर। नमक लेंगे हम 1/2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और आधी मुट्ठी करीब चौप हरा धनिया डाल देंगे। सिर्फ हमें इतने ही मसाले मिलाने होंगे। अच्छे से आलूओं के साथ मसाले को मिक्स कर देना है। इस तरह से आप फिलिंग बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छे से मसाले और आलूओं को हमने मिक्स कर लिया है, अभी इसे हम साइड रखेंगे। मैंने 4 ब्रेड ली, और ब्रेड आप कोई सी भी ले सकते हैं, आपके घर में सैंडविच ब्रेड हो या आप रेगुलर में जो भी ब्रेड खाते हो वो ले लें। और ये बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, क्योंकि इनके हम ये कॉर्नर कट नहीं करेंगे। देखिए, इस तरह से हम ब्रेड के 4 पीसेस करेंगे, स्क्वायर में कट करना होगा। इस तरह से हम तमाम पहले ब्रेड को कट कर लेंगे। तमाम ब्रेड को मैंने कट कर लिया है, अब इन पे हम फिलिंग लगाएंगे। 1 पीस लेंगे ब्रेड का और इस पे ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये वही ग्रीन चटनी जिसकी मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, हरा धनिया हरी मिर्च की चटनी जो ग्रीन बनती है, ये वो है। बस थोड़ी थोड़ी लगानी होगी। थोड़ा सा केचप लगाएंगे, थोड़ा ही केचप लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना होगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्नैक के अंदर। थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे आलू की, अच्छे से हमें इस पर स्प्रेड कर देना है। इस तरह से पहले हम तमाम ब्रेड के पीसेस को तैयार कर लेंगे। तमाम ब्रेड के ऊपर हमने फिलिंग लगा ली है, अब इसकी हम एक सिलेरी तैयार करेंगे। आप चाहें तो सिलेरी तैयार कर लें, या फिर आप चाहें तो अंडा भी ले सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर सिलेरी तैयार करूँगी। 3 खाने के चम्मच मैंने लिया है मैदा, और 3 खाने के ही चम्मच मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो, चावल का आटा भी ले सकते हैं। 3 चम्मच मैदा ले लें और 3 चम्मच चावल का आटा ले लें। 1/4 टीस्पून डाल देंगे नमक, अच्छे से मिक्स कर दें। और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसकी हमें एक सिलेरी बना लेनी है, जो ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। देखिए, इतनी पतली हमें सिलेरी तैयार करनी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी पतली होनी चाहिए। देखिए, इस तरह से हम 1 ब्रेड का पीस उठाएंगे और इसे हम सिलेरी में डिप करेंगे। ऐसे डिप करने के बाद फिर इन पे हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। एक हाथ को आप खुशकी रहने दीजिएगा, ताकि अच्छे से आप इस पे ब्रेड क्रम लगा लें। देखें, इस तरह से हम तैयार करते जाएंगे और इन्हें हमें रखते जाना होगा। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है, और इनको जब हम फ्राई करेंगे स्नैक को, तो ऑयल हमारा होना चाहिए मीडियम से हाई की तरफ, यानी मीडियम हाई गैस रखना है हमें, और ऑयल भी हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए, क्योंकि ब्रेड है, अगर ऑयल अच्छा गर्म ना हुआ तो तमाम ऑयल ये पी लेते हैं। जब एक तरफ से थोड़े से ये सिक जाएं, तो फिर इन्हें हमें पलट देना होगा, और इसी तरह से हमें चलाते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, वहाँ तक हमें इनको पकाना होगा। इनको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, क्योंकि आलू हमारे पहले से ही कुक है और ब्रेड भी हमारी पकी हुई होती है, तो सिर्फ हमें इसके अंदर सिलेरी को पकाना है। देखें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, इसी वक्त इन्हें हमें निकाल लेना है। देखा ना आपने कितने जल्दी बनके तैयार हुए, और कितनी आसान रेसिपी है। शाम की चाय के साथ आप बनाएं, मेहमान आ जाए उनके लिए भी आप इनको बना सकते हैं, झटपट बनके तैयार हो जाते हैं। आप इन्हें हरी चटनी दही वाली के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगते हैं।